जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले आपको करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी आपको करवा दिया गया है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप कर लेंगे। इसमें हम साइंस डिस्कस करने वाले हैं, देन आफ्टर मैथ और रीजनिंग करने वाले हैं। तो अगर आप चेक नहीं किए हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप 100% एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है, और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्टिलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्टिलेज, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल और कवक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधः स्तर की सतह के समानांतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, मांसपेशियों जोड़े में काम करती है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जस्ट अ सेकंड आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली पट्टियों का एक घोरा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्वनि का जो इंटेंसिटी है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से या एक से अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रोलिंग घर्षण, ठीक है, रोलिंग घर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जस्ट अ सेकंड आप वेट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जी धनात्मक रूप से आवेशित कण है, आवेशित कण आपका अल्फा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र की गति, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधा रेखा के साथ उड़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्राभिमुखी बल जो है वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएगा आपका ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठी यात्री, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर एक से अधिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार के साइंस का क्वेश्चन जो है आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं था,
इस बार अगर साइंस जो स्टूडेंट अच्छा मतलब इसमें अगर स्कोर कर लिए होंगे तो उनका जो है सो रिजल्ट आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा Al2O3 और ZnO2, ऑप्शन ZnO, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस इसमें एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, बिकॉज सभी के कारण क्या होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान सभी का है, सभी गैस का, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सभी का, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करती है। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCOOH कौन सा एक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि आपको तीन प्रक्रियाएं दी गई है, उसमें से एक में आसुत जल और अन्य दो में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इसमें किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, एसिटिक एसिड का गंध जो है किसके समान होता है, तो सिरका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप सी टिक आउट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए, देखिए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है सो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो विषम की पता लगाइए, तो आप किसके अकॉर्डिंग विषम इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, ये सभी क्या है सर, केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें से आप कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से, हाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है सत्य है, तो उनके पास समान डिग्री का कठोरता होता है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड आप वेट करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में क्या हो जाएगा पानी की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के फिल इन द ब्लैंक्स तरंगधारी को अवशोषित करता है, किसके कारण जो है तरंगधारी के प्रकाश के तरंगधारी को अवशोषित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर हरा और नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पे है कमजोर तना, यहाँ पे पूर्ण वृत्त पति को तने से जोड़ता है। ठीक है, सही नहीं है, फल्स पूछ रहा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता है, उपयुक्त में से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे डाउट हो, आपको लगे कि गलत है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी माई मिस्टेक एक दो क्वेश्चन गलत हम बताएं इसमें, तो उसको हम लोग कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे, एक बार वहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अदरवाइज PDF में टिक आउट करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाता है, जिसका कारण ये है सर, वाष्पीकरण तो नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण और यहाँ पे जो है सो वाष्पोत्सर्जन के कारण ऐसा होता है, क्या हो जाएगा, एक से अधिक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रकृति के योग्य बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रीजनिंग और मैथ के, पहले क्या होता था 67वीं या 67वीं BPSC में सर आपको 10 मैथ के क्वेश्चन, 8 मैथ के क्वेश्चन और 1-2 रीजनिंग पूछ लिया जाता था, बट इस बार क्या है कि 5 रीजनिंग और 5 मैथ पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है, परमुटेशन कम्बिनेशन, आप नाम सुने होंगे, यहाँ की शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या फिर ना हो।
चाहे अर्थ हो या ना हो, आप कम्युनिकेशन पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल, आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5, आप फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपको पता होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चूज करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लेंगे ना, जैसे 44 और 37 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, 44, जस्ट अ सेकेंड आप वेट कर लेंगे, 44 और 37 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा। फिर इस दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, और इस दोनों का डिफरेंस लेना है, सॉरी मैं मिस्टेक यहाँ पे, जैसे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंस लीजिएगा और डिफरेंस लेके उसके जस्ट 7 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है बेसिकली, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जस्ट अ सेकंड आप वेट कर लेंगे, जैसे 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि मतलब यहाँ पे ये है कि 7 से डिफरेंस ले लीजिए और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब डिफरेंस लीजिएगा तो कितना होगा, 11 होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 77, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया होंगे इसमें। इसमें क्या करना है आपको सर, डिफरेंट सीरीज, ये यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे डिफरेंस के थ्रू बनाइएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग से है कि फास्टर को अगर इतना लिखा गया तो आपको पता ही होगा क्या लग रहा है, यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप बनाना चाहिए, आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, आपका आयत का पेरीमीटर होता है 2 × L + B होता है कि नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले लें तो यहाँ पे देखेंगे 2L ले लेंगे अगर 10, और बी ले लेंगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 26, पेरीमीटर 26 आ रहा है, और क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 10 × 30 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, ठीक है, अंकित मूल्य 400 है, 10% का छूट देता है। यदि वह छूट 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 396। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज अगर करना चाहें तो पहले क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, देन आफ्टर उपराष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएगा आपका अध्यक्ष, उसके बाद प्रधानमंत्री और सांसद, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेंगे, ऑप्शन को मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि रेशमा अपनी संपत्ति का क्या करता है, 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है। कोई भी आप जैसे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, तो आप 4 का मल्टीपल कोई भी ले लीजिए। तो सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 जो है सो उसके पास धन संपत्ति है, उसका 1/4 धर्मार्थ को देता है, तो 40 का अगर 1/4 लेंगे आप तो कितना होगा, 10। अब 10 जो है क्या किया गया कि धर्मार्थ संगठन को दे दिया गया, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में, बचा कितना संपत्ति है तो 30 है, बराबर बांटती है, तो 30 को अगर बराबर बांटिएगा तो कितना होगा, 10 10 और 10 होगा, 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग बताइए, तो प्रत्येक को कितना मिला है, 10, कितना में से, 40 में से, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/4, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये तो सही है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये भी सही है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि असत्य यानी कि फॉल्स कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से, सॉरी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन से है जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जस्ट बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बहनोई देवर या साला की पत्नी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।